ओके डन ठीक है ठीक है बाकी लोग ये फोटो कर हाय फ्रेंड्स सलाम नमस्ते वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये व्लॉग एकदम भागम दौड़ी में शुरू हो रहा है। जितने भागम दौड़ी में शुरू हो रहा है उतनी भागम दौड़ी में आज ये पूरा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज घर का पूरा सामान भरना है, सारी चीज़ें खत्म हो रही है। तो आज मुझे घर के बाहर जाना होगा हर जगह पर, राशन के यहाँ पर या डीमार्ट या कहीं और मार्केट वगैरह में। तो अगर इस व्लॉग के एंडिंग तक अगर मैं पुलिस के फटके नहीं खाता हूँ तो ये समझ लेना कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया होगा लाइफ में। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ राशन की दुकान पे, सुबह 11:30 हो रहे, 12 बजे तक क्लोज हो जाएगी। अभी जैसा सब जगह पर बोल रहे 3 महीने का राशन फ्री मिलने वाला है, 3 महीने का राशन फ्री मिलने वाला है, तो अभी वो पता चलेगा कि 3 महीने का राशन फ्री मिलता है या क्या सीन है। राशन कार्ड कुछ है अरे बाबा, सब संभाल के लेकर आऊंगा, सब संभाल के लेकर आऊंगा। टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है भाई। कैमरा 40,000 का कहीं गुम हो गया या पुलिस का डंडा पड़ के टूट गया ना, तो मैं तो उधर ही मर जाऊंगा हार्ट अटैक से। इतने दिन बाद ये स्कूटी चालू कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद, देखते चलो ठीक है। तो भाई इतने दिनों बाद स्कूटी चालू तो हो गई एकदम प्रॉपर। मेन यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि राशन का दुकान चालू है या नहीं। चालू है, चालू है, चालू है, दुकान चालू है, लोग ला रहे हैं राशन, मतलब दुकान चालू है बॉस। ये एकदम अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने कि राशन की दुकान ये सारी चीज़ें चालू रखी है, वरना लोगों की हालत ख़राब हो जाती है इस टाइम में। अभी लाइन तो लगी है, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं लाइन लगी है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। तो मैं तैयारी के साथ आया था, माइंडसेट के साथ कि लाइन बड़ी लंबी लगी होगी और बहुत देर वेट करना होगा, लेकिन इतनी लंबी भी नहीं है, थोड़ी लाइन है, 10-15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा बॉस। सगली लोग बोलते हैं ना ऐसे कि फ्री बैठते फ्री बैठते फ्री बैठते, तर माणसांना जागृत करेंगे एक्चुअली फ्री बैठते का कवा पासून भेटन। सध्या दुकानात काही फ्रीज आलेले नाही, आणि आलं तरी दुकानवाले नाही साहेब लोक सुद्धा येऊन वाटणार आहे, तेवढं आम्हाला बातमी भेटलेली आहे। बाकी पुढची आम्हाला माहिती नाही काय आहे ती। ओके डन ठीक आहे ठीक आहे, बाकी लोकांनी हे फोटो काढले। बाळा बाहेर गरम आहे, गरम आहे, गरम आहे, चला घरात या पिल्लू, ये पडणार पिल्लू पडणार, जप छोनू आज मी जा पडणार नाही तर बा माझी काय धुआ धुआली झिंगाला कर झिंगाला हू झिंगाला। तो 10 किलो गेहूं और 5 किलो तांदूळ दिए है। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ, उन्होंने एक्चुअली मुझे कहा कि अपने वीडियो में ये जरूर बताना कि फिलहाल फ्री राशन नहीं मिल रहा है। 15-16-17 तारीख के आसपास हमें जाकर राशन की दुकान पर पूछना होगा कि क्या फ्री राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, और अगर फ्री राशन मिल रहा होगा तो सरकार खुद होकर बताएगी और सरकार की तरफ से लोग आएंगे वो बांटेंगे फ्री राशन, ना कि वो लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर दुकान में काम करते हैं या जिनका स्टोर है। ये डीमार्ट में फिलहाल डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, हमें एक दिन पहले जाकर टोकन लेना होगा, अपना नंबर लगाना होगा, फिर दूसरे दिन हमारा नंबर आएगा तब जाकर सामान खरीद सकते हैं। मतलब मैं अभी जाकर टोकन लूंगा तो कल जाके मेरा नंबर आएगा, तो कल जाके मैं स्टफ खरीद सकता हूँ। तो जाएंगे डीमार्ट पर और देखते हैं, अगर एंट्री मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नाश्ता करके खाने के बाद। अगर नहीं मिलती है तो टोकन लेंगे, नंबर लगाएंगे और कल जाएंगे। ओके टाटा। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में बाहर डीमार्ट के लिए, और जो मौसम है, जो नजारा है, वाकई बड़ा दिलचस्पी भरा है। पता नहीं मुझे ऐसा दिल में लग रहा है ना कि मुझे कोई पुलिस कहीं पकड़ेगा और मजबूत फटके लगाएगा। मैं सेटअप लगा के जा रहा हूँ बस का कि आप लोगों को दिखा सकूँ, को एंजॉयमेंट करने के लिए तो नहीं निकला बाहर, घर की जरूरत है। हमारे घर में राशन ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है और हमने एक साथ बल्ब इसलिए भर के नहीं रखा, चाहिए तो हम लोग भर के रख सकते थे, लेकिन बल्ब इसलिए नहीं रखा ताकि सभी लोगों को जरूरत है, सिर्फ हमें नहीं है। और सरकार ने जगह बनने की जगह शुरू है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ 1-2 किलो खरीदना होता है डेली बेसिस पे, तो हम लोगों को उन लोगों के बारे में भी सोचना है। हमारे घर से बस 1-2 किलोमीटर दूरी पर ही है डीमार्ट, सो हेड। तो भाई मुझे कूपन मिल गया है, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का, 1 घंटे के अंदर मुझे जाना है। एप्लीकेबल फॉर 1 पर्सन ओनली, तो सिर्फ मैं अकेला जा सकता हूँ, चाहे कितना भी सामान लाना हो। एंड दैट्स अ गुड ट्रिक, दैट्स अ गुड पॉइंट। जगह देखो यार, लेकिन कितना सुकून लग रहा है, सारी चीज़ें खाली, सारी जगह खाली, परिंदे बिना किसी टेंशन के उड़ रहे हैं साफ हवा में। इकोनॉमी को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये भी ज़रूरी था। आप इस बारे में जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कभी मिलते डायरेक्टली घर पे, ऑलराइट।
टाइम है ये टाकी साफ करने का, ये जो हमारे नीचे की टाकी है इसमें बहुत कचरा हो गया, ऑब्वियसली आपको नहीं दिखाई देगा और ज़्यादा ज़ोर से मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भाई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। ये लड़की देखो कैसे नाक में उंगली डाल के खाता खाती है जी, ऐसा नाक में उंगली डालती है फिर खाती है। खाओ खाओ डैडी फोन हो रहा है, डैडी फोन हो रहा है। जो जो सारी चीज़ें लिस्ट में आई है वो है 1 किलो सिंगदाना, 2 किलो पैकेट ऑफ जेमिनी ऑयल, 1 किलो वॉशिंग पाउडर कपड़ों के लिए और 2 किलो मूंग दाल खुली वाली, पैकेट वाली नहीं क्योंकि पैकेट वाली महंगी देते हैं, और 4 किलो गेहूँ 28 या 30 रुपए के, उससे ज़्यादा महंगे नहीं, डेटॉल सूप का 1 पैकेट और मेयोनीज, मिक्स फ्रूट जैम, अजू का हाँ गवलू लेना 4 किलो बस। और ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे मेरे वाइफ को भेज दी है और ये वहीं पर रहेगी, अभी जाते हैं डीमार्ट और देखते हैं पोपट होता है या हमें सामान मिल जाता है स्टे दे। तो भाई संडे गया, अभी हमें मंडे, मुझे संडे का कूपन दिया था 9 to 10 लेकिन मैं नहीं जा पाया, संडे को ये कूपन दिया, आज मंडे है तो 4 से 5 बजे तक का कूपन दिया है, तो अभी बज रहे 4 और मुझे जाना है। अभी ये मिशन इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए क्योंकि मेरी 6 बजे की शिफ्ट है, तो फटाफट जाके बहुत सारा सामान लाना है। हमारे यहाँ पर 2 डीमार्ट है, एक घनसोली और एक कोपर खेरने, तो मैं कोपर खेरने जो दूर है उधर भी गया था, तो उधर मैंने बोल के 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और अभी देखते हैं फटाफट जाता हूँ मैं, लेट्स गो फॉर इट। डीमार्ट जाके आ गए, पूरा 1 घंटा लग गया सारा सामान खरीदने में, ये रहा पूरा के पूरा सामान, और 1 घंटा ये मास्क पहन के रखने में, 1 से 1.25 घंटा, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई ना, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी सांस ऐसा एकदम फूलने जैसे हो गई है, एकदम मतलब नहीं ठीक लग रहा है ये इतना मास्क, डॉक्टर लोग पता नहीं कैसे इतने देर पहनते हैं। मैंने इंटरनेट वगैरह पे वीडियोज़ देखे, यूट्यूब पे किसी किसी डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स के तो चेहरे पे इधर उधर से खून बह रहा है, ये मास्क 24 घंटे लगा के ना जाने कितने कितने दिन, तो बिग 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 हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स हु आर सपोर्टिंग। अभी भी 5:10 हो रहे हैं तो मेरे पास और 50 मिनट्स है, मुझे 5:45 को एक्चुअली लॉग इन करना है, तो आई स्टिल हैव 30 मिनट्स और खाना भी नहीं खाया, तो अभी घर पे जाके सब करना है पहले, बस लेट्स गो टू द होम। राइट नाउ इट्स 9:45 इन द इवनिंग, सामान वगैरह सब लाया मैंने डीमार्ट से, सब एकदम टकाटक हो गया, सामान अलग से रख दिया, उसे क्लीन वगैरह भी कर दिया, सारी चीज़ें क्लीन कर ली, मैं भी फ्रेश हो गया, 6 को 5 मिनट कम थे तो लॉगिन वगैरह कर लिया, काम वगैरह सब एकदम शुरू है, सारी चीज़ें एकदम टिप टॉप हो गई है। गया डीमार्ट से तो थोड़ा मज़ा वज़ा भी ले आया मैं कि घर पर कुछ टाइम पास नहीं है, काम करते करते तो मज़ा पीवा लूँ, काम करा लूँ, मज़ा नहीं लाइफ। इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं, पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, इफ़ यू आर न्यू डू इट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, बाय बाय। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का, बाय बाय, टेक केयर।